हेलो फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर ने मुझे सवाल पूछा कि मेरी जो हड्डी है वो अभी तक जुड़ी नहीं है। मेरा जो फ्रैक्चर है वो बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक नहीं जुड़ा है। और उन्होंने मुझे अपना एक्सरे भेजा, मैंने उनको देखा और फिर सोचा कि चलो ये वीडियो बनाऊं। तो अगर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिसको थोड़ी हेल्प मिल जाए, हड्डी टाइम से ना जुड़े ना, तो ये मेरे से ज़्यादा कौन जानेगा, क्योंकि मैं ये फेस कर रही थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया। तो जब टाइम से हड्डी नहीं जुड़ती है ना, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि क्यों नहीं जुड़ी है। तो हमें सबसे पहले एक्सरे कराना है, कैसा फ्रैक्चर का कंडीशन है वो हमें उसमें पता चलेगा। और आप पहले देखो कि कौन सा फ्रैक्चर हुआ है आपके बॉडी में, कहाँ की हड्डी टूटी है, क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसमें कहाँ पे हड्डी टूटी है ये भी मैटर करता है कि कुछ हड्डी जल्दी जुड़ जाती है, कुछ हड्डी जोड़ने में टाइम लगता है। खास करके पैरों की हड्डी जुड़ने में टाइम लगता ही लगता है। 1 या 2 महीने में जुड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है, बट पैर की जो हड्डी होती है वो जुड़ने में 2-3 महीने से लेके 6 महीने या 1 साल का समय बीत ही जाता है। किससे इंजरी हुई थी वो सारी डिपेंड करती है। हमारी जो हड्डी है वो समय पर ना जुड़े तो सबसे पहले हमें डॉक्टर से मिलना है, एक्सरे कराना है। हो सके तो एक सीटी स्कैन भी कराओ, तो उसमें पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या रीज़न है। कुछ रीज़न होते हैं वो पता चल जाते हैं, कुछ रीज़न तो डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है कि हड्डी क्यों नहीं जुड़ रही है या लेट क्यों जुड़ रही है। तो कभी कभी उसमें प्रॉब्लम होती है कि या तो हमारी सर्जरी बराबर, हमारी जो हड्डी का फिक्सेशन नहीं हुआ है तब नहीं जुड़ती है, या तो कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, या कोई धूल मिट्टी इंजरी के टाइम अंदर चली गई हो तो भी लेट होता है या ज़रा टाइम लेता है, या तो फिर नहीं भी जुड़ती है हड्डी। नहीं जुड़े ना तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना है। एक्सरसाइजेस बताई है वो एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत हीलिंग में मदद करता है। बट आपका जो डाइट है उसमें भी आपको ध्यान रखना है। आप जो पहले खाना खा रहे थे वो थोड़ा आप चेंज कर लीजिए, और जैसे फल, सब्जियाँ, दाल, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वो सारी चीज़ें आपके डाइट में आप शामिल कर लीजिए। और कैल्शियम की टैबलेट्स आप थोड़ी बदल के दीजिए, क्योंकि सब कैल्शियम की जो गोलियाँ होती है उसमें पावर्स और क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं वो अलग अलग होती है। तो आपके डॉक्टर से एक बार चेकअप करा लीजिए कि आप कौन सी दवाई ले सकते हैं। सुबह की धूप लेने की कोशिश कीजिए रोज़ 2 घंटे फ्रैक्चर वाली जगह को खोल के, और धूप में बैठना है, विटामिन डी आपको लेना है वहाँ से, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। हो सके तो हड़जोड़ का भी आप ट्राई कर सकते हैं 1 महीना लेके, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको 1 या 2 महीने में पता चल जाएगी कि आपकी हड्डी अब जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। और अगर नहीं जुड़ती है ना दोस्तों, तो फिर फाइनली सर्जरी होगी। बोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या इलिजारो, LRS, जो भी डॉक्टर आपकी कंडीशन देख के डिसाइड करेंगे कि आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो आपको सर्जरी करना ही पड़ेगा हड्डी नहीं जुड़ रही है तो, क्योंकि उसके अलावा और कोई फिर ऑप्शन नहीं बचता है। और जब हड्डी का ऑपरेशन आपको नहीं करना है, आप ऐसे ही प्लास्टर लगा के भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि इतना कोशिश करने के बाद भी समय पर हमारी हड्डी नहीं जुड़ी है तो आपको फिर सर्जरी ही करना पड़ेगा। तो जब आपकी समय पे हड्डी ना जुड़े तो एक बार आपके डॉक्टर से चेक करा लीजिए और सभी चीज़ें आपके ट्रीटमेंट की ट्राई कर लीजिए, क्योंकि लाइफ ही इम्पोर्टेंट है। अगर समय पर हड्डी नहीं जुड़ती है ना, तो फिर मेरी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे बस अब वेट करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। ऑलरेडी मेरा बोन ग्राफ्टिंग हो चुका था पहले, तो मैं बस अब वेटिंग में हूँ। तो आप भी आपके लिए ट्रीटमेंट सोच लीजिए कि आपके लिए क्या सही है। पहले मैंने जो बताया वो डाइट, एक्सरसाइज, गोलियाँ, हड़जोड़, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ट्राई करके देखिए। और हो सके तो एक बार आप होम्योपैथी भी ट्राई कीजिए, आप कोई होम्योपैथी डॉक्टर से मिलके, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो शायद हील करने में मदद करें, ठीक है, कि जो हमारा डिले यूनियन फ्रैक्चर है उसमें हमें मदद मिल जाए। तो ये आपके एलोपैथी डॉक्टर जहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे भी बात कीजिए,
और दूसरे डॉक्टर से भी, अगर एक डॉक्टर से सही नहीं हो रहा है तो आप दूसरे डॉक्टर से भी मिलके आपकी फ्रैक्चर का इलाज कराइए जितना हो सके उतना जल्दी, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।